सो जा बाबू। आज तो नींद नहीं आ रही है तुमको, बहुत सारी पोटी पोटी कर दी पोटी। हेलो, वेलकम टू रुचिता विजय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ अपने छत पर, अपने घर के छत पे आई हूँ। जब से यहाँ पे आई थी लगभग मुझे हो रहा है 25-26 दिन आए हुए यहाँ पे, तो मैं ऊपर छत पे नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे स्टेयर चढ़ना मना था और बंदर बहुत सारे आते हैं, इसलिए बहुत सारा डर लगता है ऊपर आने में। तो व्लॉगिंग करने के लिए मैं सोच रही थी कि ऊपर जाकर आप लोगों को दिखाऊं, और शाम का टाइम हो रहा है तो मैं आई हूँ छत पे। और अभी मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने पूरे घर का आप लोगों को दिखाऊं। बहुत छोटा घर है हमारा, तो अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ज़रा भी कि मैं कुछ व्लॉगिंग करूं। तो आज सोची कि यूं ही आप लोगों को छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ अपने घर के। और सबसे ऊपर वाली छत पे चलते हैं तो वहाँ देखते हैं। और अभी क्योंकि अभी मेरा बेटा जो है वो सो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियो बना लेती हूँ। कल थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, तो मैंने एक आधी रील्स बना ली थी। और यहाँ पे बहुत डर लगता है कि व्लॉगिंग करते वक्त कहीं बंदर पीछे से ना आ जाए। और आज कपड़े बहुत सारे धुले गए थे तो ये सारे यहाँ पे ऊपर सुखाए हैं, ऊपर ये बंदर बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं। ओ गॉड, ये देख। तो यहाँ ऊपर तो जाने वाला नहीं है। A few moments later. Oh God, मेरे बहुत ज़्यादा पास आ गया था और मेरा कैमरा भी बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था इसको। मैं चलती हूँ नीचे वरना मुझे लेगा काट। वीडियो तो वीडियो ही रह जाएगा। मैं नीचे चल रही हूँ भैया। जाकर बंदरवा आएगा ना ऊपर जीना पर। अरे थौरे बहुत तेज कर, खो खो खो। अब बहुत तेज देखा कर, देखा कर। अब काटे सुना हम वैसे कुछ कर बोले हम गए। अब तो भैया काट ली से मुझे। ये ऊपर जो बिद्दू पिला दूँ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए। नहाई थी, 4:30 बज गया था आज नहाने में। और बेटा मेरा उठ गया था तो उसको अभी दूध पिला रही थी, और पोटी कर दिया था तो उसके भी कपड़े वपड़े धुल रही थी। तो आपने अभी देखा ही कि छत पे क्या हुआ मेरे साथ। वीडियो बना रही थी तो बंदर आ गया था और मुझे काटते काटते बचा। क्या करने गई थी और क्या होते होते बचा मेरे साथ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक अपने छत का एक व्लॉग बना के दिखाती हूँ बाहर कैसा लगता है हमारे यहाँ। तो बंदर आ गया और पता नहीं क्या सोच क्या है, मैं तो दूर थी, मैं तो ऊपर जा भी नहीं रही थी। और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे आके मेरे पास जस्ट इतनी तेज़ से काटने के लिए दौड़ा और काटा नहीं, पर बहुत ज़्यादा खो खो किया। और मैं वहीं पे, मेरे पास ना डंडा था ना कुछ था, मैं तो वीडियो शूट करने गई थी। और ऐसे वो मेरी आंखों में देख रहा था, मैं भी उसकी आंखों में देख रही थी। डरी नहीं, ज़रा भी नहीं डरी। मैंने सोचा काट काट लो तो काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अगर अगर मैं डर गई होती तो मुझे वो काट लेता ज़रूर। मैं डरी नहीं और वहीं पे रही, इसलिए उसने मुझे नहीं काटा। और कैमरा शायद ऑफ हो गया था, पता नहीं, अभी तो देखते हैं। और हाँ, इधर भी बहुत सारे बंदर हैं, इतने सारे बंदर हैं ना कि इस वजह से हम लोगों को घर के बाहर कपड़े फैलाने पड़ते हैं। और उधर देखिए मेरे पीछे कितने सारे बंदर हैं, इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं कि मतलब बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है, था पहले भी पर इतना अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि पूछो ही मत। तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो कर नहीं पाती हूँ, आज सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ वीडियो बनाती हूँ, पर वीडियो बनाने के चक्कर में आज तो मेरे को बंदर काट लेता और मेरा काम तमाम हो जाता। आप लोगों को साथ दिख रहा होगा, ये बंदर बैठा है यहाँ पे। इधर देख लो भाई, क्यों नहीं सो रहे हो, क्यों नहीं सो रहे हो, जी मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो। इधर देख, इधर इधर देख, शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं आई हूँ किचन में, सब्जी बन रही है। तो देखती हूँ, आलू सोया की सब्जी बन रही है। टाइम मिला है, बाबू आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पोटी कर रहा है बार बार और सो नहीं रहा है। बाहर मम्मी लेके बैठी हैं और खाना तो बन ही रहा है, और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज क्या रोज़ ही थक जाती हूँ। तो व्लॉग क्या व्लॉग, आज तो मेरी जान जाते जाते बची। बंदर वाला, बंदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उसका वीडियो तो नहीं बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई थी और शायद कैमरा चालू भी करना भूल गई थी, तो इस वजह से। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। और वीडियो लेट में आ रही है मेरी, मैं जानती हूँ, पर प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मेरे पास कोई भी नहीं है जो कि मेरा वीडियो बनाने में हेल्प करे, ब्लॉगिंग करने में हेल्प करे, मुझे ही बच्चे को संभालना है और मुझे ही सब कुछ करना है अकेले, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरे इनके पापा अरहंत के वो हैं नहीं, वो चले गए हैं अपने घर। तो इस वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।